बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज आपके लिए मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी वे में बनने वाले चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसको याद रखना इतना इजी है क्योंकि सारी रेसिपी जो है आपको मैं देने वाली हूँ एक ही, यानी 7 स्पून रेसिपी भी इसको कहते हैं, एक ही मेयरमेंट है इसकी। तो आपको याद रखना भी बे इंतहा ईजी हो जाएगा इस रेसिपी को। और टेस्ट तो इसका इतना अच्छा है कि आप बस चाहेंगे कि आप रोज़ बना के खाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आपने गरम, बहुत शदीद गरम पानी ले लेना है और इसमें 1 चम्मच जो है कॉफ़ी डाल के इसको साइड पे कर देना है। ये कॉफ़ी डालना ऑप्शनल है, वैसे टेस्ट को इन्हेंस करता है कॉफ़ी का फ्लेवर जो होता है। तो आप चाहें तो खाली गरम पानी भी एंड में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने 7 स्पून, जो घर में नॉर्मल खाने वाला हमारा चम्मच होता है, 7 स्पून मैंने चीनी ले ली है, पाउडर फॉर्म में ली है। उसके बाद 3 स्पून मैंने ले लिया है कोको पाउडर। उसके बाद 4 स्पून मैंने ले लिया है यहाँ पे मैदा। आप अगर चाहते हैं कि चॉकलेटी ज़्यादा हो तो आप 3 और 4 की रेशो रखेंगे मैदे और कोको पाउडर की, अगर नॉर्मल चाहते हैं तो आप उसको 5 और 2 की रेशो में कर सकते हैं। साथ ही हमने ले लिया है यही वाला हमने 1 ही चम्मच रखा है, 1/2 स्पून लिया है हमने इसमें बेकिंग पाउडर लिया है, पिंच ऑफ इसमें बेकिंग सोडा लिया है और 1/4 इसमें लिया हमने साल्ट। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है, देख सकते हैं कितने सारे लम्स हैं क्योंकि हम इसमें बीटर वगैरह ऐसा कुछ यूज़ करने वाले नहीं है। तो आपने छानना इसको 1 से 2 दफ़ा लाजमी छान लेना है। यहाँ पे बस हमने 2 अंडों को सेपरेट बॉल में लेके थोड़ी देर विस्क करना है, ज़्यादा विस्क नहीं करेंगे क्योंकि हैंड विस्क हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा विस्क किया इसके बाद हमने अगेन, मैंने आपको बताया ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने छान के डालना है क्योंकि इसमें हम बीटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो कोशिश कीजिएगा कोई लंप वगैरह ना रह जाए। पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि उड़े ना। उसके बाद हमने 7 स्पून ही नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और उसके बाद हमने ले लेना है 7 स्पून ही ऑयल ले लेना है। इनको बस अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसमें, अगर आपको मैंने स्टार्ट में जो बताया था कॉफ़ी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आपने 7 स्पून गर्म पानी के ऐड करने हैं इसमें। अगर आप कॉफ़ी ऐड करते हैं तो उसका यकीन माने कोई टेस्ट नहीं आता। मुझे पर्सनली कॉफ़ी ख़ुद भी नहीं पसंद है, उसका फ्लेवर थोड़ा जला जला सा आता है, लेकिन यह है कि केक में आपका जो है फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करती है और इसका कॉफ़ी का टेस्ट नहीं आता है। 7 स्पून हमने कॉफ़ी वाला यहाँ पर पानी यूज़ किया है तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस इतना मिक्स करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छे तरीके से आपके वेल कम्बाइन हो जाएं। उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस डालना भूल गई थी तो वनीला एसेंस सिर्फ ऐड किया है, आप चाहें तो वो स्टार्ट में ही ऐड करके बस मिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने मोल्ड को पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था और मैंने जो है अपना पैन है उसको भी हीट होने के लिए रख दिया था। प्री हीटेड आपने पैन लेना है, इसमें बस स्टैंड रख के अपना मोल्ड रख के इसको 35 मिनट के लिए आपने बेक होने के लिए रख देना है। 35 मिनट में ये बेक हो चुका था। एक निशानी ये होती है कि एक जो होता है वो अपने सारे कॉर्नर्स छोड़ देता है, या बस इसको इजीली मैंने डीमोल्ड कर लिया। यहाँ पे गरम बहुत था और यहाँ पे बस इसका ये जो मैंने बेकिंग पेपर यूज़ किया था वो रिमूव कर लिया। गरम गरम ही मैंने इसको लेयर्स में कट कर लिया था। डोम बनी हुई है इसकी, इसके डोम के साथ मिला के इसके जो हैं 4 लेयर्स बनी थी, 3 हमारी प्लेन लेयर्स थी और डोम को मिला के 4 लेयर्स थी। मैं डोम भी वेस्ट नहीं करती होती, उसको मिला के मैं बस यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने 200 ग्राम हार्ड चॉकलेट लिया, डार्क चॉकलेट लिया। इसको मेल्ट कर लेने के बाद इसमें 5 टेबल स्पून मैंने मिल्क ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें बटर ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बटर, और जब तक मिल्क जो है अच्छे तरीके से हमारी चॉकलेट में मिक्स नहीं हो जाएगा। ये हमारे पास पोर करने के लिए, जो ऊपर से चॉकलेट हम पोर करेंगे या आप जिसे चॉकलेट सिरप भी कह सकते हैं, वो रेडी है। और यहाँ पर इसको थोड़ा देर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था तो इस कंसिस्टेंसी में आ गया था। अब इसको हमने अच्छे तरीके से थोड़ी देर विस्क करना है। थोड़ी देर विस्क करेंगे तो ये हमारे पाइपिंग करने के लिए हमारा जो चॉकलेट है वो गनाश रेडी है। अब जो हमने इनर फिलिंग करनी है, हमने चॉकलेट मैंने यहाँ पे इसमें ठंडी क्रीम डाल दी थी तो मेरे से थोड़ा मिस करने में प्रॉब्लम हो रहा था। अगर ऐसा हो जाए तो आपने दोबारा से इसको जो है हीटअप कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके बस बीट कर लिया है। ये इनर जो हमारे लेयर्स हैं उसमें यूज़ होने वाली क्रीम है। अब हमने बस सिंपली इसको असेंबल करना है। चॉकलेट की मैंने आपको बताया था जैसे 4 लेयर्स बनी है, हम 3 जो थी वो प्लेन लेयर्स थी और 1 जो थी वो डोम वाली थी। मैं सेंटर में डोम वाली यूज़ कर लेती हूँ, घर में ही खाना है तो मैं वेस्ट नहीं करती। कस्टमर का हो तो बंदा थोड़ा बहुत इस तरह करता है कि प्लेन भेजे। खैर बहरहाल, इस यहाँ पर मैंने शुगर सिरप से सोक किया, सिंपली शुगर सिरप से किया। अगर आप चॉकलेट में, अगर आप थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करें तो वो और फ्लेवर इन्हेंस करता है जो आपका जो सिरप होता है। मैंने शुगर वाला सिंपली यूज़ किया, बस आपने की लेयर्स जिस तरह नॉर्मल करते हैं हम करते जाएं। चॉकलेट स्प्रेड आप इस पर अगर करना चाहें सेंटर में फिलिंग के कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, सिंपल टोटली मैंने सिंपल रखी है। इसको बस आपने ब्रेड क्रम कर लेना है, क्रम कोट कर लेना है, ब्रेड क्रम नहीं, क्रम कोट करके यहाँ पे इसको आपने कम से कम कर लें आधे पौने घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए, जब तक इसकी क्रीम सेट नहीं हो जाती।
अब ऊपर से सिंपली चॉकलेट जो हमने मेल्ट की हुई है मिल्क एंड बटर वाली, उसको स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि मुझे ऊपर ही सिर्फ लेयर चाहिए है, साइडों पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। अगर आपको साइडों पे भी चाहिए तो आप रैक पे रख के, जिस तरीके का मेथड आपने काफ़ी दफ़ा इंटरनेट पे देखा होगा, उस तरीके से यूज़ करते हैं। मुझे साइड्स पे सिर्फ थोड़ा सा क्रीम और चॉकलेट का इफेक्ट चाहिए, और ऊपर जो है मैंने जस्ट जो है एक स्प्रेड फैलानी है, क्योंकि मैंने साइड्स पे लगाने हैं चॉकलेट चिप्स लगाने हैं, तो मैंने सिर्फ ऊपर जो है अपनी लेयर एक बिछा लिया चॉकलेट सिरप की, ऊपर से अब मैं लगा लूँगी। अब एक दफ़ा लाजमी एक दफ़ा पाइप करके देख लिया करें अपनी क्रीम या गिनाश जो भी यूज़ कर रहे हैं। मैं सिंपली अब जो है गिनाश से अपना जो डिज़ायर्ड डिज़ाइन है वो बना लूँगी। अभी थोड़ी चॉकलेट सेट नहीं हुई हुई, आप देख भी सकते हैं, लेकिन यह है कि डिज़ाइनिंग करते करते ही वो सेट हो जाएगी। तो मैंने साइड पे चॉकलेट इफेक्ट दिया है, ऊपर सिंपली चॉकलेट गिनाश को पोर करके ऊपर मैंने डिज़ाइन बना लिया, साइड्स पे चॉकलेट चिप अटैच कर लिए। डिज़ाइनिंग टोटली अप टू यू, आप जैसा चाहें आप वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनर फिलिंग नहीं की थी, तो मेरा माइंड में था कि मैं साइड्स पे चॉकलेट चिप लगा देती हूँ, इसका भी बीच में एक फिलिंग के टाइप का ही लुक आ जाएगा। उसके बाद साइड्स पे बॉर्डर्स लगा लिए हैं, ऊपर जो है मैंने ये चॉकलेट जो है ये घर में ही बनाई थी, मैं सिंपल मोल्ड में चॉकलेट को मेल्ट करके पोर करके बनाई है, और सेंटर में एक चेरी रख दिया है। यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का 7 स्पून चॉकलेट केक रेडी है। डिज़ाइनिंग टोटली आप अपने तरीके से कर सकते हैं। ये इंतहाई सिंपल और इजी बनने वाली रेसिपी है। अगर मैं आपको ग्राम्स में रेसिपी दूं तो आपका जो ऑयल है वो 30 ग्राम यूज़ होगा, और 2 अंडे इस्तेमाल होंगे, 100 ग्राम शुगर होगी, 70 ग्राम जो है हमारा ये फ्लोर जाएगा, और कोको पाउडर जाएगा 30 ग्राम, और इसी तरीके से हमारा जो मिल्क है 30 ग्राम होगा, और हमारा वाटर जो है हमारे पास जो है 7 स्पून ही, उसको आप स्पून से ही बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इसकी क्वान्टिटी ग्राम में मौजूद नहीं है। पिंच ऑफ सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टीस्पून हमारे पास बेकिंग पाउडर होगा, और जो हमारा सिंपल चॉकलेट है 200 ग्राम है, 5 टेबल स्पून हमारे पास मिल्क है, 2 टेबल स्पून बटर है। ये हमारी सिंपल सी चॉकलेट केक की रेसिपी है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना है, बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को बस एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।